नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट संख्या 31। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इससे पहले भी हम लोग इसका एक वर्कशीट कर चुके हैं, तो आज इसकी दूसरी वर्कशीट है। यह 23/11/2021 के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें इस हिंदी सिनेमा के बारे में क्या जानना है। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक बसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जिसके लेखक प्रदीप तिवारी, के दूसरे भाग पर चर्चा करते हैं। इस भाग को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से भी पूरा पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वर्कशीट में जाना था कि कैसे आवाज की वजह से, कि आवाज इसमें दूसरा नहीं है, पहले जो मूक फिल्में बनती थी, तो मुख फिल्मों में आवाज की कोई खासियत नहीं होती थी, उसे कहीं भी शूटिंग कर लिया जाता था। लेकिन जब बोलती फिल्म बनाना शुरू हुआ, तो उसमें दिन में बाहर के शोरगुल बहुत ज्यादा होते थे, तो इस वजह से उस शोरगुल को रोकने के लिए रात का चयन किया गया कि रात में फिल्म बनाई जाए। और उस समय सबसे बड़ी परेशानी आई फिल्म में लाइट की कमी, क्योंकि उस समय ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं था। आज की तरह हैलोजन लाइट्स नहीं थे, बड़े बड़े लाइट्स नहीं थे, या रंगीन लाइट्स नहीं थे कि अपने मन मुताबिक के लाइट की व्यवस्था की जा सके। तो तकनीशियन को सबसे ज़्यादा परेशानी उस समय लाइट की हुई, क्योंकि अंधेरे में फिल्म की शूटिंग। तो उसमें उसी समय से फिल्मों में जो लाइट का चलन चला, तो आज बहुत ही उसका उन्नत रूप देखने को मिल रहा है। आलम आरा फिल्म ने भविष्य में के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही। अरदेसिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। अरदेसिर, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने लगभग 150 मूक फिल्म मतलब जिसमें आवाज नहीं थी, और 100 सवाक फिल्म मतलब आवाज वाली भी 100 फिल्मों को बनाया। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने में हिंदी संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी और नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। विट्ठल जो थे, उस समय सबसे ज्यादा पैसा पाने वाले थे। इस समय आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे हीरो हैं जो कि करोड़ों में अपना पारिश्रमिक लेते हैं, तो उस समय के वो सबसे ज्यादा पाने वाले थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है कि विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया, जिससे विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना पहचानते हैं आप लोग, ये हैं पाकिस्तान के गठनकर्ता, मोहम्मद अली जिन्ना। और इन्होंने ही पाकिस्तान के लिए अलग देश की मांग की। और जिस तरह हमारे देश में महात्मा गांधी को पूजा जाता है, उसी तरह से पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को भी सम्मान मिलता है। और वह एक बैरिस्टर थे, तो उस समय विट्ठल का केस मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंट मैन के रूप में सक्रिय रहे। स्टंट मैन का रूप मतलब आप क्या समझते हैं? स्टंट मैन का मतलब होता है जो खतरनाक कार्य दिखाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, पहाड़ से कूद जाना, नदी में कूद जाना, या फिर पतले तारों पर चलना, तो इस तरह के जो खतरनाक काम होते हैं, मारपीट में भाग लेना, उसको स्टंट मैन बोलते हैं। तो यह उस समय के सबसे प्रसिद्ध नायक रहे और स्टंट मैन भी रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेट्ठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, जो आगे चलकर फिल्मों उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। आपने पृथ्वीराज कपूर की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, और ये लोग आगे चलकर बहुत चर्चित हुए और फिल्मों में काफी सहयोग भी किया। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। मैं उस समय सिनेमा हॉल हुआ करता था, और काफ़ी बड़े बड़े लोग, संभ्रांत परिवार के लोग ही सिनेमा देखने जाते थे। सारे लोग सिनेमा देखने नहीं जा पाते थे, क्योंकि उस समय भी टिकट महंगा होता था, और बहुत बड़े बड़े अधिकारी या फिर जो धनी वर्ग के लोग होते थे, उन लोगों का शौक था फिल्म देखना। तो उस समय मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में यह प्रदर्शित हुई, और फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली।
हाउसफुल का मतलब कि पूरी सीटें बिक जाती थी, अब उसमें बैठने की जगह नहीं होती थी, तो वो हाउसफुल चली। जब सिनेमा चलता था तो हाउसफुल काफ़ी प्रचलित शब्द था और लोग कहते सुनते थे कि वो फिल्म हाउसफुल चल रहा, मतलब पूरी की पूरी जो सिनेमा हॉल है वो बुक है। तो 8 सप्ताह तक वो हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। पर्दे पर किसी को बात करते देखना, सुनना, आपने पिछले वर्कशीट में देखा है कि इसके प्रचार में पोस्टर कैसे लगाए गए थे कि इतने मुर्दे जिंदा हो गए, सभी आपस में बातें करने लगे। बहुत ही आश्चर्य वाली चीज़ आपको दिखाई जाएगी, कैसे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। तो यह उनके लिए एक अनोखा अनुभव था कि कैसे मुर्दे कैसे बोल पाएंगे। तो वो लोग जो पर्दे पर जो आदमी देखते थे तो उसको मुर्दा बोलते थे, और उसको बात करते देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि कोई भूत हो या मुर्दा हो जो कि ऐसा बात कर रहा है। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। 10,000 फुट का मतलब फिल्म में जो रील लगा था वह 10,000 फुट लंबी थी, और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, उसके जो कथानक होते थे, जो कथा का जो विषय होता था, तो पौराणिक कथा से लिया जाता था जो किसी देवी देवता का होता था, और पारसी रंगमंच का जो नाटक होता था उससे किसी नाटक को फिल्म के रूप में तब्दील किया जाता था, और अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुना गया। तो अरबी प्रेम कथा में आप सबसे मशहूर प्रेम कथा लैला मजनू फिल्म का नाम सुने होंगे, तो इसी टाइप से उस समय के प्रेम कथाओं को फिल्मों में दर्शाया जाता था। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुद की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशंसकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जो ब्रिटेनवासी हम पर जो शासन कर रहे थे वो भी जब देखे कि भारत में सवाक फिल्मों का प्रचलन चल रहा है, तो उन लोगों ने भी इस पर कुछ कड़ा विरोध जाहिर किया। वो नहीं चाहते थे कि भारत में इस तरह की फिल्में ज़्यादा प्रसरण हों, ज़्यादा फैलें, क्योंकि इससे भारत का विकास होता। तो इस तरह से हम लोगों ने पुरानी फिल्मों के बारे में जाना, और आशा है पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अरदेशिर ने कितनी मूक फिल्में बनाई। तो ऑप्शन है क 10, 40, 20 और 150। इसका उत्तर घ होगा, 150। दूसरा है कि आलम आरा फिल्म किस भाषा में बनी थी। तो ऑप्शन है क अंग्रेजी, ख उर्दू, ग हिंदुस्तानी और घ फारसी। तो आलम आरा फिल्म उर्दू भाषा में बनी थी, ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आलम आरा में नायिका का किरदार किसने निभाया था। तो ऑप्शन क है जुबैदा, ख सुमित्रा, ग ज्योति, घ रोशन आरा। तो आपने पढ़ा है कि आलम आरा में नायिका का किरदार जुबैदा ने निभाया था, इसलिए ऑप्शन क सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, यहाँ 4, 5, 6 3 प्रश्न दिए गए हैं कि फिल्म के नायक के चयन को लेकर क्या विवाद था, इस फिल्म से जुड़े कौन कौन से नाम बाद के फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध हुए, और शुरुआती दौर की अन्य फिल्मों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिख कर जानते हैं। प्रश्न 4 कि फिल्म के नायक के चयन को लेकर क्या विवाद था। तो उत्तर है कि फिल्म के नायक विट्ठल थे, उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, जिसकी वजह से उनकी जगह पर महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। 5वां प्रश्न है कि इस फिल्म से जुड़े कौन कौन से नाम बाद के फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध हुए। तो उत्तर है कि इस फिल्म से जुड़े सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेट्ठी जैसे अभिनेता आगे चलकर भी प्रसिद्ध हुए। और गतिविधि है कि शुरुआती दौर की कुछ अन्य फिल्मों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो इसका उत्तर है कि शुरुआती दौर की फिल्में श्याम श्वेत होती थी। श्याम श्वेत का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। आज जो आप लोग कलरफुल और एचडी फिल्में देख रहे हैं, पहले की फिल्मों में कलर भी नहीं होता था, और एचडी की तो बात ही छोड़ दीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट, बस काला और उजला दिखता था। तो श्याम श्वेत होती थी जो निम्नलिखित है, घर की लक्ष्मी, चार दरवेश, डाकू की लड़की इत्यादि। तो बच्चों, यह थी आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की वर्कशीट, और इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।